नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं 20 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सुरक्षा बल जवानों के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन। डायलॉग ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर ओवरकमिंग रही चर्चा की थीम। दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित शांति सदन में मनी 13वीं सालगिरह। माय इंडिया हेल्दी इंडिया अभियान के तहत भी कार्यक्रम। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, AK चावला, कमांडर शिव सिंह, सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष अशोक गाबा, उपाध्यक्ष BK शुक्ला समेत कई सम्मानित लोगों ने किया। तीन दिवसीय सम्मेलन में चर्चा की थीम डायलॉग ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर ओवरकमिंग रही, जिस पर मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। When you imbibe this philosophy, which or the way of life as inner awakening that they say, you just have to understand that you innately connect with it, and it's very simple. If you understand and take it on, I have found it very useful, even if I have not gone through a complete course. But you innately, intuitively agree with everything that the Brahma Kumaris teach and propagate. It is for sure that stress is the first thing that you will be able to address. 2011 में पहली बार मैं माउंट आबू में इस कोर्स के लिए अपने परिवार सहित गया, और तब से मुझे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जो ज्ञान है वही सबसे कंप्लीट है, और तब से मैं इस संस्था से जुड़ गया हूँ। राम नाम सत्य है कहते हैं ना, है ना। अब जिस राम को हम पुकारते हैं, जो खुशियां प्रदान करने वाला है, उनसे हमारा संबंध क्या है, इस बात को हम रियलाइज कर लें, तो उसके लिए वो हमारे को रियल आंख देते हैं। 2 दिन में कई सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था के सीनियर फैकल्टी ने चयनित विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कंपल्सिव बिहेवियर के अंदर फंसा हुआ है, और उस कंपल्सिव बिहेवियर के छोड़कर अगर मैं अपने जागरूक बिहेवियर, अपने कॉन्शियस बिहेवियर के हिसाब से काम करता हूं, तो मेरी जिंदगी का ध्येय जो है मेरे सामने आ जाता है। शांति मुझ आत्मा का निज स्वभाव है, स्वधर्म है, और इसी अंतर की शांति को अनुभव करते हुए कुछ समय के लिए उस शांति के स्रोत के पास हम पहुंच जाते हैं। वहीं सम्मेलन के समापन सत्र में हरियाणा के रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट भी शामिल हुए, और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि भारतीय सुरक्षा बलों के अधिक से अधिक अधिकारियों और जवान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव मुक्त और खुशनुमा जीवन जीने की कला सीखे। जितने हमारे जवान हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने हम लोग हैं, अपने लक्ष्य पर हम केंद्रित रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी कोई ऊपर की शक्ति हमको कहीं कुछ करने वाली नहीं है, हमको ताकत देने वाली कोई और चीज है। आज तो बड़ी बात यह हो गई कि खुद ही आज हमको यहाँ पर बुला लिया है, बाबा ने बुला लिया है आज यहाँ, आज इतनी बड़ी शक्तियों ने बुला लिया है। आपने सोचा नहीं होगा, मैं अभी और कोशिश करने वाला हूं कि हमारी जो फोर्सेज हैं अधिक से अधिक यहां से अवेयर हों। हालांकि बहुत होती हैं, लेकिन ये हिम्मत बढ़ाती है। हाल ही में ओम शांति रिट्रीट सेंटर को एडवांस हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सोलर सिस्टम लगाने के लिए डायमंड अवार्ड मिला है। यह अवार्ड NDIA स्मार्ट ग्रिड फोरम ने ORC और विजन मेट्रॉनिक्स को प्रदान किया है। ये एडवांस सिस्टम बैटरी पर आधारित प्रणाली है, जहां 2 अलग अलग बैटरी प्रौद्योगियों को एक साथ जोड़ा जाता है। ORC में ये सोलर सिस्टम जुलाई 2021 से लगा है, तब से बिजली के बिल में काफी बचत हुई है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित शांति सदन की 13वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, साथ ही माय इंडिया हेल्दी इंडिया अभियान का आगाज किया गया। खुशी के इस मौके पर अनंत ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मूलचंद, दिल्ली सरकार में पूर्व चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संध्या समेत कई सम्मानित लोग मौजूद रहे।
अपने प्यारे बाबा को आया एक दिन एक ख्याल, स्वर्णिम भारत लाने की करनी है बहुत बड़ी कमाल। शांति सदन के प्रभारी बीके इंद्रा और बीके अमृत के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने लोगों को तन के साथ मन का ध्यान रखना बेहद जरूरी बताया और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। वाराणसी के मैमुरगंज स्थित डिवाइन संस्कार शाला पहुंची बिग एफएम की आरजे अरुंधति। नन्हे बच्चों से मिलकर की गपशप, बातों ही बातों में महत्वपूर्ण बातों की ओर खिंचवाया ध्यान। कई बच्चों ने पूछे उनसे उत्सुकता भरे सवाल। डिवाइन संस्कार शाला के संचालिका बीके लता ने आरजे अरुंधति को भेज की ईश्वरी सौगात। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा बिलासपुर संभाग के लिए सम्मान समारोह। योग को बढ़ावा देने वाले कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया एवं योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्था की बीके समीक्षा, बीके गायत्री और बीके रानी को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। पुणे के ग्राम वेल्हे की पंचायत समिति हॉल में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा ने लोगों को तनाव मुक्त रहने के सुझाए तरीके। रोजाना कुछ देर राजयोग मेडिटेशन करने पर दिया जोर। महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र से स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मिता बर्वे, विधायक टेकचंद सावरकर, पूर्व विधायक देवराव जी रड़के, पीके प्रेम लता ने शिवध्वज दिखाकर किया आगाज। 200 गांवों में पहुंचेगा अभियान। शाश्वत योगी खेती और राजयोग द्वारा गाँव को गोकुल गाँव बनाने का देंगे संदेश। अभियान की सफलता के लिए अतिथियों ने व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं। जबलपुर के शिव स्मृति भवन द्वारा गड़ा पुलिस थाने में जन जागृति कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके बहनों ने सड़क दुर्घटना से बचाव के प्रति दी सावधानियां। थाना प्रभारी आर के तिवारी ने कार्यक्रम को बताया जरूरी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रशासन द्वारा मनाया गया राजगढ़ स्थापना दिवस। ब्रह्म कुमारी समेत कई सामाजिक संगठनों को प्रशासन ने किया आमंत्रित। शहर में रैलियां निकाल कर दिया एकता का संदेश। कलेक्टर हर्ष दीक्षित, विधायक बाबू सिंह, एसडीएम जूही गर्ग समेत रैली में शामिल रहे शहर के कई चर्चित लोग। राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु ने सामाजिक एकता का दिया संदेश। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आओ क्रोध मुक्त बने विषय पर ऑनलाइन चर्चा। भारतीय आयुर्विज्ञान की पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर नमिता चंडो, सेट विंग के मुख्यालय संयोजक बीके संतोष, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा रही चर्चा के मुख्य वक्ता। बुद्धिजीवियों ने क्रोध को तन मन और संबंधों के लिए बताया घातक। हरियाणा के कादमा में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम। मुख्यालय से ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला रही मुख्य वक्ता। बीके उर्मिला ने कहा, बेटियां अगर अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान ले तो असंभव को कर सकती है संभव। पिछले वर्ष रामबास गाँव में जन्मी बेटियों के माता पिता को किया सम्मानित। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गीता सहारण और सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा कार्यक्रम में रही उपस्थित। हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र पर गुड़ी पाड़वा को लेकर स्नेह मिलन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। कई लोगों ने आध्यात्मिक गीतों की दी प्रस्तुति। बीके अंजलि ने गुड़ी पाड़वा का बताया आध्यात्मिक रहस्य। जयपुर के जादव नगर सेवा केंद्र द्वारा दिव्य कन्या हॉस्टल में नवरात्रि के चलते आध्यात्मिक कार्यक्रम। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शकुंतला सिंह रहे मुख्य अतिथि। जादव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनुसुईया ने किया अतिथियों का स्वागत। नन्ही बच्चियां सजी देवियों के रूप में। अतिथियों ने बच्चों से की ढेर सारी बातें। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।